मैंने सर्वाइव किए 300 डेज इन डेजर्ट ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर और इस वीडियो का मेरा एम है बिल्ड करने को सारे टाइप के बीकन्स या नेदरराइट के बीकन को छोड़कर। एंड इस वीडियो में मैं बिल्ड करने वाला हूं एक नहीं बल्कि दो डायमंड के बीकन्स को, वो मैं कैसे करता हूं जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। बाकी मैं अपने एमराल्ड के मैंशन को पूरी तरह से अपग्रेड करने वाला हूं जो कि एंड में दिखने में बहुत ज्यादा ऑसम लगने वाला है। बाकी इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 8 आवर से ज्यादा टाइम लगा है, बट तुम लोग को इस वीडियो को लाइक करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक यू तुम लोग का 700 के सब्सक्राइबर्स के लिए। और मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैंने 1 महीने से वीडियोस क्यों नहीं डाले। बेसिकली क्या हुआ था कि मैंने और भी वीडियोस को अपलोड किया था, बट क्या हुआ कि लेटेस्ट जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे उनमें से 3 वीडियोस पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स पड़ गए, बट लकीली उनमें से एक वार्निंग था। तो अभी मेरे चैनल पे 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स हैं, और अगर अभी मेरे चैनल पे एक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ जाता है तो मेरा चैनल उड़ जाएगा खत्म। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो भी वीडियोस पे मैंने स्पॉन्सरशिप वगैरह किया हुआ था उन वीडियोस को डिलीट कर दिया। यस, इसीलिए तुम लोगों को मेरे चैनल पे ज्यादा वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने अपने चैनल से 50 से भी ज्यादा वीडियोस को डिलीट कर दिए हैं जिनमें मैंने स्पॉन्सरशिप वगैरह किया हुआ था। इसी रीजन की वजह से मैं बहुत ज्यादा टाइम तक उदास हो चुका था और मैं डिप्रेशन में चला गया था। कोची में है डिप्रेशन में सर, या इसीलिए मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अभी फाइनली वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। एंड मुझे जितना पता है इस वाली वीडियो का रीच बहुत ज्यादा कम होने वाला है, एक तो बहुत ज्यादा टाइम तक वीडियोस अपलोड ना करने की वजह से, एक और स्ट्राइक्स की वजह से। तो प्लीज अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर देना, या मुझे पता है कि मैं बाकी के वीडियोस में भी लाइक्स मांगता रहता हूं, बट इसमें जरूर से लाइक कर देना। बाकी यही रीजन है वीडियोस को अपलोड ना करने का। एंड ज्यादा ना पकाते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। डे 150 पे मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहां से मैंने लास्ट पार्ट को एंड किया था, अपने मैंशन के छत के ऊपर। यहां पे देख सकते हो कि ये कैसल देखने में कुछ अधूरा सा लग रहा है। इस वीडियो में हम लोग इसी कैसल को अपग्रेड करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड तक ये कैसल दिखने में पूरा अलग होगा। इसके लिए सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे एमराल्ड ब्लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाके अपने एमराल्ड फार्म में AFK करूंगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस जगह पे मेरे पास एक सॉर्टिंग सिस्टम तो है बट वो ठीक से काम नहीं करता, मतलब कोई भी चीज यहाँ पे सॉर्ट होती नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा एमराल्ड्स कलेक्ट नहीं हो पाते। सबसे पहले तो मैंने इन सारे चेस्ट को खाली किया जिसको करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, एंड अपने सॉर्टिंग सिस्टम को भी फिक्स कर दिया। और अभी तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक बीकन भी नहीं है जो कि मैं लेके गया हूँ अपने घर पे। गया तो यहाँ पर ये चेस्ट में पड़ा है, इसको मैंने दोबारा लगाया एंड रीजनरेशन का इफेक्ट ले लिया। अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। डे 157 तक मेरा यही काम होता रहा, लाइक सॉर्टिंग सिस्टम को फिक्स कर रहा था और टाइम पास कर रहा था ऐसे ही। फिर डे 157 पर ही अपना सॉर्टिंग सिस्टम सब सॉर्ट हो चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने रेड फार्म को यूज करने वाला हूँ। तो जाकर एक कैप्टन को टपली मारा, जाकर अपने रेड फार्म में AFK करना स्टार्ट कर दिया एंड बस बहुत सारे दिन तक वही करता रहा। देख सकते हो कि मेरा लेवल अभी 267 है, बट थोड़े टाइम में ये बहुत ज्यादा होने वाला है। यहाँ पे मैंने डे 157 से लेकर 165 तक AFK किया। डे 165 पर ही जाके देखने पर यहाँ पे बहुत सारे एमराल्ड्स कलेक्ट हो चुके थे, अब इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने का काम था। एंड यस, इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस 2 दिन तक इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद जाके अपने कैसल को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इसको मैंने लाइव स्ट्रीम में किया था तो ये थोड़े से क्लिप्स वगैरह रहे, ये मैंने फर्स्ट टाइम लाइव किया था उस टाइम का क्लिप है ये, बस अपने कैसल को अपग्रेड कर रहा था मैं। बाकी ये रहे थोड़े से टाइम लैप्सेस वगैरह। डे 175 तक मैंने यही किया, तभी मैंने सोचा कि ये काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है एंड मैं इसको और भी थोड़ा सा फास्ट कर सकता था। देखो बात ये है कि मेरे पास यहाँ पर एक बीकन नहीं है, मेरे पास जो एक बीकन है वो रेड फार्म में है एंड मैं बार बार उसको तोड़ के यहाँ पे लेके नहीं आना चाहता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाके एक और बीकन को बनाऊंगा। तो इसलिए मैं चला गया अपने नेदर फोर्ट्रेस में, या ये वाला नेदर फोर्ट्रेस। इसमें ज्यादा विदर स्केलेटन स्पॉन ही नहीं होते, बट फिर भी कैसे भी करके मैंने थोड़े बहुत विदर स्केलेटन को मार कर 3 विदर स्केल्स इकट्ठे कर दिए। ये रहे 3 विदर स्कल्स, इसको लेकर मैं चला गया नेदर रूफ के ऊपर। यस, तुम लोगों ने सही सोचा, फिर मैंने एक विदर को स्पॉन कर दिया एंड उसको मारा। और ये रहा एक और बीकन, ये इस वर्ल्ड का सेकंड बीकन है, बट इस वीडियो के एंड तक देखो कि कितने सारे बीकन्स बन जाते हैं। मुझे यहाँ पे बीकन की जरूरत इसीलिए थी ताकि मैं यहाँ पे जल्दी से स्टोन्स को तोड़ सकूं जो कि मुझे अपने बिल्ड के लिए चाहिए था। तो जाकर मैंने यहाँ पे एक बीकन सेटअप कर दिया, उसके बाद जब मैं इसमें पावर लेने के लिए गया तभी मैंने रियलाइज किया कि मैं तो एक बड़ा सा इडियट हूँ। यहाँ पे ऊपर से एक जगह चाहिए होता है बीकन के लाइट को निकलने के लिए, बट तुम लोगों को पता होगा कि मैं एक इंटेलिजेंट कैलकुलेटेड जीनियस हूँ, तो मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता दिया कि कहाँ पे बीकन का लाइट आने वाला है एंड सीधा नीचे माइन किया। एंड मेरे इंटेलिजेंट कैलकुलेटेड की वजह से सब कुछ सही था। इसमें मैंने H2 का पावर ले लिया, अब मैं जल्दी से यहाँ से स्टोन्स को माइन कर सकता था, तो मैंने जल्दी से यहाँ से स्टोन्स को माइन किया, बहुत सारे स्टोन्स को। अपना पिकैक्स भी टूटने वाला था, इसी से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितने स्टोन्स को तोड़ा होगा। अपने पिकैक्स को रिपेयर करके दोबारा से जाके स्टोन्स को माइन किया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक यही कर रहा था मैं। दोबारा से पिकैक्स टूटने वाला था तो मैंने सोचा कि मैं जाकर थोड़े से डीप स्लेट को माइन करूंगा क्योंकि वो भी मुझे चाहिए था। एंड एक्चुअली डीप स्लेट के लिए फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स की जरूरत पड़ती है, सिल्क टच की नहीं, तो मेरा फॉर्च्यून 3 वाला पिकैक्स भी इसमें यूज हो रहा था। एंड ऑफ कोर्स इसमें भी थोड़े बहुत डायमंड्स वगैरह
वगैरह मिल रहे थे। इस वाले डायमंड को जब मैं माइन कर रहा था तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे एक डायमंड का बीकन बनाना चाहिए। यस, ऐसे डीप स्लेट को माइन करते वक्त बहुत सारे डायमंड्स वगैरह मिल रहे थे जो कि मेरे डायमंड के बीकन को बनाने के प्लान को और भी मोटिवेट कर रहा था। यस, मैं एक्चुअली डायमंड के लेवल में माइनिंग कर रहा था ताकि मुझे डीप स्लेट के साथ डायमंड्स भी मिल जाए। उसके बाद दोबारा से मैंने लाइव स्ट्रीम में अपने बिल्ड को कंटिन्यू किया। अभी तुम लोगों को वो लाइव स्ट्रीम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने बहुत सारे वीडियोस और लाइव स्ट्रीम वगैरह डिलीट कर दिया है, तो अपने चैनल से मैंने सारे लाइव स्ट्रीम को भी डिलीट कर दिया है। डे 185 तक मैंने यही करता रहा, फिर ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था। लाइक अभी तुम लोग देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा है। अब मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से ऊपर से थोड़ी सी बॉर्डरिंग वगैरह करके थोड़ा सा स्टाइलिंग करना चाहिए। बेसिकली मेरे हार्डकोर वर्ल्ड में जो एमरल्ड का कैसल था उसको ही कॉपी कर रहा था मैं। यहाँ पे थोड़े से बॉर्डर्स वगैरह लगा देने का डीप स्लेट के ब्लॉक से, ये थोड़ा सा ऑसम लगेगा। उसके बाद इसको और थोड़ा सा मोटा करने का ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। फिर यहाँ पे अंदर से मैंने इसको स्टोन से भर दिया एंड डे 190 तक ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा था पीछे के साइड से। ये सेम चीज मुझे आगे के साइड में भी करना था बट एक्चुअली ये बहुत ज्यादा टाइम के बाद मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस कैसल में दोबारा से काम करने को स्टार्ट करने से पहले मुझे जाकर अपने डायमंड बीकन के आइडिया के लिए कुछ काम करना चाहिए जो कि है जाके डायमंड्स को कलेक्ट करना। सबसे पहले जाके मैं बहुत ज्यादा दिनों के बाद सो गया। डे 191 को मैं प्रिपरेशन करने लगा अपने डायमंड्स को माइन करने के लिए, तभी मैंने एंडरमैन को एक टपली मारा। मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा एंड ये एक्चुअली गुस्सा हुआ भी, बट थोड़ी टाइम बाद ये भूल गया अपनी जिंदगी के बारे में। यस, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, ये अपनी जिंदगी के बारे में ऐसे कैसे भूल सकता है मुझे नहीं पता। मुझे मेरी छोटी छोटी गलतियों से भी डिप्रेशन हो जाता है। इसको मैंने इतना मारा बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, काश मैं भी ऐसा ही होता। एंड हम लोग एक एंडर चेस्ट को भी लेके जाने वाले अपने डायमंड के माइनिंग के सेशन के लिए एंड अपने सप्लाई बॉक्सेस जो कि फायरवर्क टोटम और खाने के हैं। उसके बाद मैं चला गया अपने माइनिंग के सेशन के लिए। मैं अपने पुराने वाले माइन से ही माइन करना चाहता था। यस, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइन है जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डायमंड्स को माइन किया था। इवन तो मुझे माइनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं बट फिर भी मुझे करना पड़ा एंड यहाँ से अपना माइनिंग लास्ट पार्ट में खत्म हुआ था। तो आगे जाकर मैंने यहाँ से इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया सेम लाइन में। पता नहीं इसी लाइन में होने की क्या जरूरत थी बट या मैंने जाकर अपने माइनिंग को कंटिन्यू कर दिया। अब इसमें ऑफ कोर्स ज्यादा कुछ दिखाने वाली चीज नहीं है। ये रहे अपने फर्स्ट डायमंड, इसमें सिर्फ 3 डायमंड्स थे, तो मुझे बुरा लगा कि ज्यादा डायमंड्स नहीं है एंड मैं आगे जाने के लिए रेडी हो गया। तभी मैंने सोचा कि क्या हो अगर यहाँ पे और भी डायमंड्स हो, तो मैंने साइड में और भी थोड़ा सा माइनिंग किया तब मुझे और डायमंड्स मिले। लाइक इससे हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि हमेशा साइड में माइन करो, थोड़े से डायमंड्स और मिल सकते हैं। मैं माइनिंग के सीन्स को दिखाकर तुम लोगों को बोर नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं सिर्फ डायमंड के माइनिंग के सीन को दिखाऊंगा जहां पर डायमंड्स वगैरह मिले हैं। तो ये रहा एक डायमंड माइनिंग का मॉन्टाज। डे 216 तक मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट हो चुके थे और मैं 25,000 ब्लॉक्स तक माइन भी कर चुका था, तो मैंने सोचा कि अपने डायमंड माइनिंग को यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास कितने सारे डायमंड्स कलेक्ट हुए हैं। यस, इसको मैंने ओर्स में ही रखा है। इसको डायमंड में कन्वर्ट करने पर कितने बनते हैं मुझे नहीं पता बट बहुत ज्यादा बनने चाहिए एंड मेरे डायमंड के बीकन के लिए डेफिनेटली काफी होगा, इसलिए मैंने घर जाने को डिसाइड किया एंड मैं ऊपर को माइन करते हुए गया। अभी मैं एक्चुअली अपने घर से 25,000 ब्लॉक्स दूर था, तो ऐसे ही डायरेक्टली उड़ते हुए मैं घर नहीं जाने वाला था एंड मेरे पास ऑब्सीडियंस भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने दो एंडर चेस्ट को ऐसे ही फोड़ दिया ताकि मुझे थोड़े से ऑब्सीडियंस मिले, जिसे मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया एंड मैं चला गया नेदर में। अभी ट्रैवल करना बहुत ज्यादा इजी होने वाला था, ऐसा मैंने बस सोचा था, बट एक्चुअली नेदर में भी बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल करना इजी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जगहों पे डेड एंड्स आ जाता है, तो डायरेक्टली हम लोग उड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए मुझे जाना था नेदर रूफ के ऊपर ताकि मैं डायरेक्टली अपने घर को उड़ सकूं। इसलिए मैंने जाकर एक एंडरमैन को टपली मारा जिससे मुझे थोड़े से एंडर पर्ल्स मिले और मैंने थोड़े से इस वाले वुड को तोड़ा जिसे मैंने बनाए एक क्राफ्टिंग टेबल और थोड़े से स्टिक्स। उन स्टिक्स से मैंने बनाए थोड़े से लैडर और मैं चला गया सीधा एक जगह पे। यहाँ पे जाके मैं कैसे फंसा मुझे नहीं पता बट मुझे नेदर रूफ के ऊपर जाना है, तो यहाँ पे मैंने माइन किया तो मुझे एक नेदर रूफ मिल गया। ये बेडरॉक वाई लेवल 127 पे है। ये चला मैं नेदर रूफ के ऊपर, हमेशा मुझे डैमेज तो होता ही है एंड ऐसे उड़ते टाइम मुझे अपना घर वाला नेदर पोर्टल भी मिल गया। ये आ चुके हैं हम लोग अपने घर को वापस। पता नहीं आयरन गोलम्स क्रीपर को मारते क्यों नहीं, तुम्हारी भैंस की। डे 217 पे मैंने सोचा कि मुझे अपने डायमंड्स को माइन कर देना चाहिए। यस, जो इतने सारे ओर्स कलेक्ट किए हैं मैंने उनको मुझे माइन कर देना चाहिए। सबसे पहले मैंने अपने इन्वर्टरी को खाली किया एंड ये लिए मैंने ओर्स। भाई ये कहां से आ गया, सब लोग मेरे डायमंड्स को देख के जल रहे थे। फिर मैंने इसको ऐसे ही टावर अप करना स्टार्ट कर दिया एंड बिकॉज मैं पहाड़ों के ऊपर था तो मैं ज्यादा डायमंड्स को टावर अप भी नहीं कर पाया, बिल्ड लिमिट ऑलरेडी आ गया। फिर मैंने इसको माइन करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो अपना पिकैक्स इतना डैमेज्ड है बट नीचे तक जाने तक ये रिपेयर हो जाएगा। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितने डायमंड्स हैं। ये मैंने इसको नीचे तक माइन किया एंड एक टावर से मुझे मिले इतने डायमंड्स। कितने ओर्स को माइन किया मैंने नहीं पता बट दोबारा से सेम चीज को करेंगे, दोबारा से बिल्ड लिमिट तक एंड दोबारा से माइनिंग। ऐसे करते करते मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर मुझे इसको टावर अप नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यादा मैं टावर अप नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैं चला गया एक गड्ढे में एंड यहाँ से मैंने टावर अप करना स्टार्ट कर दिया। हमेशा की तरह दोबारा
से बिल्ड लिमिट टच किया एंड माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। नीचे तक पहुंचने पर यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स मुझको अटैक करने को आ रहे थे, तो मैं उनसे डर के भागने वाला था, बट एक जॉम्बी के पास मेरे डायमंड्स थे। लाइक इतने गंदे हाथों में डायमंड्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको तो मुझे मारना ही था। लकीली अपने सारे डायमंड्स मुझे वापस मिल गए। फिर मैंने दोबारा से टावर अप किया एंड दोबारा से माइनिंग भी किया। ऐसे मैंने अपने सारे डायमंड्स को माइन कर दिया था। फाइनली मुझे मिले इतने सारे डायमंड्स। तुम लोगों को लग रहा होगा कि इतना कम है, बट नहीं, एक शल्कर बॉक्स ऑलरेडी फुल हो चुका है। यस, 1.5 शल्कर बॉक्स मिले मुझे। फिर मैंने इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया, तो मुझे पता चला कि मेरे पास जितने मुझे चाहिए उससे बहुत ज्यादा डायमंड्स हैं। यस, लिटरली 4 स्टैक से भी ज्यादा डायमंड ब्लॉक्स। लाइक समझ सकते हो कि मैंने कितना डायमंड्स को माइन किया होगा। इससे मैं एक से ज्यादा ही बीकन बना पाऊंगा। तो अपने डायमंड बीकन के लिए डायमंड्स कलेक्ट हो चुके थे, बट इसी के साथ मैं बाकी टाइप के बीकन्स को भी बनाना चाहता था, क्योंकि इतने डायमंड्स कलेक्ट कर ही दिए हैं तो बाकी बीकन्स को बनाने में क्या जाता है। एमरल्ड ब्लॉक्स तो वैसे ही हमारे पास है, तो नेक्स्ट सिर्फ बचता है गोल्ड और आयरन। तो इसीलिए मैंने सोचा कि गोल्ड के लिए हम लोग एक गोल्ड फार्म को बिल्ड करते हैं। एंड लकीली अभी जो मेरे पास स्कीमेटिक्स वगैरह है, तो गोल्ड फार्म को बिल्ड करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तो इसके अभी हम लोग इसके लिए चीजें कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इसका स्कीमेटिक। ज्यादा टाइप के मटेरियल्स नहीं चाहिए, बट एक ही टाइप के बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए। लाइक मुझे 5700 से भी ज्यादा मैग्मा ब्लॉक्स चाहिए होंगे। तो इसमें चला गया नेदर में मैग्मा ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे रैंडम जगहों पे मुझे मैग्मा ब्लॉक्स वगैरह इजीली मिल जाएंगे, तो इस हम लोग को बस इसको कलेक्ट करते हुए जाना है। ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस था, तो डे 218 से लेकर 225 तक मैं मैग्मा ब्लॉक्स को ही कलेक्ट करता रहा। एंड डे 225 पर यहाँ पे मेरे पास कलेक्ट हो चुके हैं सारे मैग्मा ब्लॉक्स, जो कि ये रहे, यप 3.5 शल्कर बॉक्सेस। इसके बाद नेक्स्ट मुझे जो चीजें चाहिए होंगे वो है थोड़े से ग्लास, थोड़े से मतलब 2 शल्कर बॉक्स। यस, ये भी ज्यादा है। तो इस वर्ल्ड में मुझे सैंड की तो कमी होने वाली नहीं है, तो मैं एक रैंडम जगह पे चला गया एंड बहुत सारे सैंड को माइन कर दिया। ये कलेक्ट हो चुके हैं मेरे पास 2 शल्कर बॉक्स ऑफ सैंड, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब इतने सारे सैंड को स्मेल्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे फर्नेस की जरूरत पड़ी, तो मैंने बहुत सारे फर्नेस को फैला दिया, बट फर्नेस में सैंड को जलाने के लिए मेरे पास कोल ही नहीं था, तो मैं चला गया कोल माइनिंग के लिए। लाइक लिटरली हर छोटी छोटी चीज के लिए मुझे बार बार जाना पड़ रहा था। ये रहे थोड़े से कोल। घर वापस आकर मैंने थोड़े और फर्नेस को लगा दिए, ताकि बहुत ज्यादा जल्दी स्मेल्ट हो सके। फिर मैंने इसको कैलकुलेशन वगैरह करके बहुत ज्यादा एफिशिएंटली स्मेल्ट किया। लाइक एक स्टैक सैंड के लिए 8 कोल, उससे ज्यादा नहीं चाहिए होता। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह कर रहा था मैं। ऐसे ही मैंने सारे सैंड को स्मेल्टिंग पे डाला एंड सुबह से लेकर शाम तक KFK किया। ऐसे ही अपने सारे सैंड ग्लास में स्मेल्ट हो चुके थे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने फर्नेसेस को ही तोड़ दिया। उसके बाद थोड़े से वुड वाले चीजें जैसे ट्रैप डोर्स वगैरह बनाने के लिए थोड़े से वुड वगैरह कलेक्ट कर दिए, क्योंकि डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में नॉर्मल वुड तो मिलता नहीं है, तो नेदर से ही मुझे कलेक्ट करने पड़े। उसके बाद से जो भी चीजें हैं वो सारे बना दिए, जैसे ट्रैप डोर्स, फिर बहुत सारे चेस्ट वगैरह बना दिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए थी एंड बहुत सारे हॉपर्स भी चाहिए थे, तो बहुत सारे आयरन भी यूज हो गए। एंड उसके बाद मुझे एक मेन चीज चाहिए थी, जो कि है बहुत सारे नेम टैग। तो नेम टैग्स के लिए मुझे ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एमरल्स तो है ही और बहुत सारे विलेजर्स भी हैं। तो जाकर मैंने बहुत सारे लेक्टन्स लगा दिए एंड किसी एक बंदे को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने ऐसे ही एक विलेजर को अपग्रेड कर दिया एंड फाइनली जाकर इसने बहुत सारे नेम टैग्स दे दिए। इतने की जरूरत तो नहीं थी, बट पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। नेम टैग को भी नेम करने के बाद मैं चला गया अपने बिल्ड को करने के लिए। इसके लिए एक बड़ा सा नेदर वेस्ट बायोम की जरूरत पड़ती है, बट ऐसा बायोम फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एनिस मुझे ऐसा ही एक जगह मिल जाता है एंड मैंने इसका स्कीमेटिक प्लेस कर दिया। ये रहा अपना गोल्ड फार्म। यस, ये वही गोल्ड फार्म है जो कि मैंने बहुत बार बिल्ड किया है एंड ऑलमोस्ट हर कोई यही बिल्ड करता है। इसमें अच्छी बात यह है कि टर्टल एक्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे वर्ल्ड में टर्टल एक्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो स्कीमेटिक की हेल्प से जल्दी से मैंने इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ये रहा इसका थोड़ा सा टाइम लैप्स। इसको बिल्ड करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। जिसका सभी ये फॉर्म यहाँ तक आ चुका है एंड ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। लास्ट में मुझे थोड़ी सी चीजें करनी बाकी है। एक तो यहाँ पर चारों साइड से मुझे एक जॉम्बी पिगलिन को रखना पड़ेगा। ये जो तुम लोग देख रहे हो ये बस एक स्कीमेटिक है, ये रियल जॉम्बी पिगलिन नहीं है। यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा, तो पहले तो मैंने एक ग्लास रख दिया, उसके बाद एक जॉम्बी पिगलिन को यहाँ पे धक्का दे दिया। ये करना इतना मुश्किल नहीं था। यहाँ पर इसको सही जगह पर रखने के बाद मैंने सारे ग्लास को तोड़ दिए एंड इसको नेम भी कर दिया। इसी के साथ ये हमेशा यही पर खड़ा रहेगा। ऐसे मैंने चारों जॉम्बी पिगलिन को लगाकर नेम कर दिया। इसके बाद मुझे अपने कलेक्शन सिस्टम को बनाना था, तो यहाँ पर माइनकार्ट के पर मुझे एक हॉपर रखना था एंड एक ब्लॉक को आगे धकेलना था, जिसके लिए मुझे एक पिस्टन का हेल्प लेना है। पहले इस माइनकार्ट को तोड़ देने का, उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक रखने का और इसको धकेल देने का। ये सब करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे नॉर्मल माइनकार्ट नहीं, बल्कि माइनकार्ट विद हॉपर की जरूरत पड़ती है। तो ये बनाई मैंने एक माइनकार्ट विद हॉपर एंड दोबारा से सेम चीज किया, ऐसे करके इस रेल को यहाँ से तोड़ देने का और एक ब्लॉक को पिस्टन के हेल्प से धकेल देने का। ये सेम चीज मैंने चारों साइड से किया। उसके बाद नीचे और भी थोड़े से चेस्ट वगैरह लगा दिए, जितने चाहिए थे उससे ज्यादा, ताकि बहुत ज्यादा टाइम तक AFK कर सकूं। आई मीन वैसे भी इतने चेस्ट का
मैं क्या ही करता। उसके बाद गाइस जहाँ पे मैंने हॉपर माइनकार्ट को प्लेस किया था उस ब्लॉक के ऊपर मुझे बहुत सारे माइनकार्ट्स को लगा देने हैं, यस इस वाले जगह पे, ताकि एंटिटी क्रैमिंग से सारे ज़ॉम्बी पिगलिंस मर जाए। तुम लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, बहुत सारे मतलब मुझे यहाँ पे 24 माइनकार्ट्स लगाने हैं, यस 24। इसको लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत सारे माइनकार्ट को क्राफ्ट करने का और यहाँ पे लगा देने का, बट यहाँ पे जो रेल है उसको मुझे तोड़ना भी पड़ेगा वरना ये ठीक से काम नहीं करने वाला। यस सेम चीज को मैंने चारों साइड से किया एंड यस इसी के साथ ये फार्म यूज करने के लिए बन चुका है। फिर मैंने जाकर एक बंदे को यहाँ पे टपली मारा और चला गया यहाँ पर एएफके करने के लिए। अभी सारे लोग मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे एंड मुझे मारने की बजाय अपने खुद के मौत का जिम्मेदार बन जाएंगे। वाह क्या ही डायलॉग्स बोल रहा हूँ मैं। ऐसे कैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम तक मैंने एएफके किया, जितने टाइम पे मुझे बीकन बनाने लायक गोल्ड मिल जाता, बहुत ज्यादा एएफके करने के बाद मैं नीचे चला गया। ये रहे बहुत सारे गोल्ड वगैरह जो कि गोल्ड नगेट्स में है, इनको मुझे गोल्ड इंगट्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस मुझे पता है कि ये सारे स्वॉर्ड्स को स्मेल्ट करके मुझे और भी गोल्ड नगेट्स मिल सकते हैं, बट उतना मेहनत कौन करने वाला है, मैं नहीं कर सकता, जो मिलता है उतना काफी है मेरे को। फिर मैंने ऐसे ही गोल्ड वगैरह कलेक्ट करके इंगट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया एंड फाइनली मेरे पास कलेक्ट हो चुके थे इतने सारे गोल्ड ब्लॉक्स। ये भी बीकन बनाने के लिए काफी नहीं था तो और भी थोड़े से देर तक एएफके किया, फिर जितने चाहिए थे उससे ज्यादा कलेक्ट हो गए। इसी के साथ अपना नेक्स्ट टाइप का बीकन जो कि है गोल्ड का, उसके लिए भी ब्लॉक्स कलेक्ट हो चुके थे। ये रहे डायमंड और गोल्ड, एमरल्ड्स तो मेरे पास है ही, लास्ट में बचता है आयरन। आयरन के लिए मैं आयरन फार्म को बिल्ड करता हुआ बैठ सकता हूँ बट नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक स्टैक से ज्यादा आयरन के ब्लॉक्स हैं, तो बस डेढ़ स्टैक्स और चाहिए। आयरन फार्म को बिल्ड करने के लिए जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में मैं माइनिंग करके आयरन को कलेक्ट कर सकता हूँ एंड वैसे भी ऐसे डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में बहुत सारे बड़े बड़े केव्स मिल जाते हैं तो आयरन कलेक्ट करना इतना बड़ा काम नहीं था। ऐसे ही मैंने जल्दी से बहुत सारे आयरन कलेक्ट कर दिए। यप गाइस थोड़ी टाइम में मेरे पास इतने सारे आयरन कलेक्ट हो चुके थे जो कि कैलकुलेट करने पर यस एक स्टैक से ज्यादा बन ही जाता है। फिर मैंने सेम ग्लास की तरह ही बहुत सारे फर्नेसेस को लगा दिए एंड इसको जल्दी जल्दी से स्मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया यस कैलकुलेशन करके। तब जाकर मैंने रियलाइज किया कि इतने आयरन काफी नहीं होंगे, मुझे और भी चाहिए होगा, तो जाकर मैंने दोबारा से थोड़े से आयरन वगैरह कलेक्ट कर दिए एंड सेम दोबारा से स्मेल्ट किया। तब जाकर फाइनली मुझे जितने आयरन चाहिए थे उतने काफी हुए। इसी के साथ मैं एक आयरन का बीकन भी बना पाऊंगा एंड मैंने एमरल्ड्स भी इस शल्कर बॉक्स में रख दिए। ये रहे सारे टाइप के चीजें जिससे मैं बीकन्स बना सकता हूं, अपने चार टाइप के बीकन। यस नेदरराइट के बीकन को तुम लोग एक्सपेक्ट मत करना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अभी गाइस बीकन बनाने के लिए ब्लॉक्स तो कलेक्ट हो चुके हैं बट एक मेन चीज है जो कि बीकन्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस वो मेन चीज है बीकन ही। मैं इस ब्लू लाइट वाले चीज की बात कर रहा हूं। बीकन्स को बनाने के लिए मुझे इस वाले बीकन की जरूरत पड़ेगी तो इसीलिए मैं चला गया नेदर में। अभी तुम लोगों को पता होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। यस मैं चला गया नेदर फोर्ट्रेस में और दोबारा से बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारना स्टार्ट कर दिया। यस तुम लोगों को पता होगा कि इस नेदर फोर्ट्रेस में ज्यादा विदर स्केलेटन्स स्पॉन नहीं होते तो इस नेदर फोर्ट्रेस से मुझे चार बीकन बनाने लायक स्कल्स कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक और नेदर फोर्ट्रेस को फाइंड करने के लिए जाऊंगा। बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं मिला बट थोड़ी देर बाद एक अंडरग्राउंड सा नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है। यहाँ पर भी मैं ज्यादा विदर स्केलेटन्स को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट थोड़े बहुत मिल जाते हैं। तभी गाइस मैंने एक और नई चीज को डिस्कवर किया। यहाँ पर अगर ऐसा एक बड़ा सा जगह है एंड अगर हम लोग थोड़ा सा दूर जाके वापस आ जाता है तो बहुत सारे विदर स्केलेटन स्पॉन हो जाएंगे। इस वाले ट्रिक को यूज करके मैंने बहुत सारे विदर स्केलेटन को मारा। बहुत सारे विदर्स को मारने पर भी ज्यादा स्कल्स नहीं मिल रहे थे, वो बात अलग है, बट बहुत सारे स्केलेटन स्पॉन हो रहे थे। एनीस ये रहे थोड़े से विदर स्केलेटन्स को मारने का मॉन्टाज। यहाँ पे मेरे पास 13 विदर स्केलेटन स्कल्स कलेक्ट हो चुके थे जो कि चार बीकन को बनाने के लिए काफी होते हैं तो मैंने सोचा कि मैं घर वापस चला जाऊंगा बट रास्ते में मुझे एक और बड़ा सा नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है एंड यहाँ पे लिटरली बहुत सारे विदर स्केलेटन स्पॉन हो रहे थे तो मुझे थोड़ा सा लालच आ जाता है एंड मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़े और विदर स्केलेटन स्कल्स को कलेक्ट करूंगा क्योंकि वैसे भी मेरे पास 13 तो ऑलरेडी है तो दो और कलेक्ट करूंगा तो एक और बीकन बना पाऊंगा तो इसलिए मैं यहाँ पर भी रुक गया एंड यस यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे स्केलेटन को मारे एंड फाइनली ये जाकर मेरे पास कलेक्ट हो चुके हैं 15 विदर स्केलेटन स्कल्स। इसके बाद मेरा लालच पूरा खत्म हो चुका था, मुझे इससे ज्यादा स्कल्स नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं, तो 15 स्कल कलेक्ट होने के बाद मैं डायरेक्टली चला गया यहाँ से। रुकता तो शायद से और भी मिल जाते बट नहीं चाहिए मुझे। फिर मैं चला गया एंड में क्योंकि मुझे बहुत सारे विदर को स्पॉन करने पड़ेंगे तो मैं यहाँ पे बेडरॉक के नीचे उनको स्पॉन करना चाहता था ताकि जल्दी जल्दी मैं इसको कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने बीच वाले बेडरॉक के नीचे बहुत सारे ब्लॉक्स को माइन किया, इसको कुछ ऐसा करना होता है एंड थोड़े से ऑब्सीडियंस को चुराए जिनको मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसके ऊपर हम लोग सोल सैंड को लगाकर विदर को स्पॉन करवा सकते हैं एंड वो बेडरॉक के नीचे फंस जाएगा। फिर हम लोग इसको ऐसे ही यहाँ पे मार सकते हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस बार लकीली मैंने इसको ठीक से किया था तो ये विदर एस्केप नहीं हुआ। जल्दी से मैंने ऐसे ही करके 5 विदर को भी मार दिया।
फिर मैं चला गया अपने घर। यहाँ पर दोबारा से मैं ऑब्सीडियंस को लेके आना भूल चुका था, तो मैंने दो एंडर चेस्ट को फोड़े, गलती से सिल्क टच से फोड़ दिया था। उसके बाद फॉर्चून 3 से फोड़ा, इसके हेल्प से मैंने बना दिए 5 बीकन्स को। एंड इसी के साथ अभी मेरे पास यहाँ पे बन चुके हैं 6 बीकन्स। मैंने प्लान तो किया था 4 बीकन्स के लिए, बट 6 बन चुके हैं तो कोई बात नहीं, कंप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ से इस वाले बीकन को भी मैंने चुरा दिया। मैं एक्चुअली इनको एक पोडियम के ऊपर सेटअप करना चाहता था, जैसे मैंने लास्ट अपने डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में किया था, बट फिलहाल के लिए मैंने सोचा कि यहाँ पे इनको सेटअप कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी एमरल्स का एक लेयर तो यहाँ पर बन चुका है, बस 3 लेयर बनाना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने एमरल्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिए, एंड ये रहे 6 बीकन्स, ऐसे ही मजाक की तरह लगा रहा हूँ। फिर मैंने एक एक करके सारे पावर्स को ले लिए। इसी के साथ ये बन चुका है एक 6 टिपल बीकन। मुझे पता है कि वो 6 टिपल नहीं होता, बट कोई बात नहीं, हम बहुत ज्यादा फैमिली फ्रेंडली है। इतने सारे पावर्स को आने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं इमॉर्टल बन चुका हूँ, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। तो मैं सीधे एक क्रीपर के सामने जाके अपनी शक्ल लेके खड़ा हो गया, जैसे कि वो मुझे कुछ कर ही नहीं सकता, बट उसने बहुत ज्यादा गंदा वाला डैमेज किया। इससे मुझे पता चल चुका था कि इसके हेल्प से मैं इमॉर्टल तो नहीं बनूंगा, बट बहुत सारे पावर्स मिल जाएंगे। एनीवेज उसके बाद मैंने बाकी की जगहों पर ये ब्लैक जो भी है वो कर दिया, बॉर्डरिंग वगैरह, ताकि ये थोड़ा सा ऑसम लगे। आई मीन जो सिलेंडर्स वगैरह बनाए थे उसके ऊपर ये लगा दिया, इसको थोड़ा सा आगे से मोटा भी कर दिया। फिर अंदर से यहाँ पर स्टोन्स लगा दिए, सिलेंडर के अंदर वैसे भी खोखला होने वाला है, बट ऊपर से मैंने इसको ऐसे करके लगा दिया। फिर यहाँ पे जो टेढ़ा सा दीवार था उसके ऊपर भी मैंने ब्लैक कलर के ब्लॉक्स लगा दिए, फिर सेम चीज दोबारा से। इसी के साथ फाइनल यहाँ पे सारे सिलेंडर्स के ढक्कन बन चुके थे, आई मीन जो भी है। फिर मैंने नीचे से यहाँ पर डीप स्लेट को लगाना स्टार्ट कर दिया, ताकि नीचे से भी एक बॉर्डर सा बन जाए। उसके बाद लास्ट वाले डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में तुम लोगों को याद होगा कि मैंने एक फ्लैट जमीन को बनाया था, जिसके ऊपर मैंने बिल्डिंग्स वगैरह बना के रखे थे, वैसे ही मैं यहाँ पर भी एक फ्लैट वाला जमीन बनाना चाहता था, ताकि नीचे से उबड़ खाबड़ ना रहे। सो बेसिकली इसको मुझे सैंडस्टोन से फिल कर देना है, ताकि एक फ्लैट जमीन सा बन जाए। यस मुझे पता है कि इसको मैं बहुत ज्यादा स्किप कर रहा हूँ, बट ज्यादा रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं है मेरे पास, एंड ना ही मेरे पास यहाँ पे लगाने के लिए सैंडस्टोन है, तो जाके थोड़े से सैंडस्टोन वगैरह कलेक्ट करके लेके आना था। इसीलिए मैंने 4 शल्कर बॉक्सेस को खाली किया, फिर चला गया एक रैंडम सी जगह पर जहाँ पर सैंडस्टोन वगैरह मिल सकता था। ये रहे सैंडस्टोन। यहाँ पर पता नहीं क्यों ये सैंडस्टोन का दीवार बहुत ज्यादा हाई था, मतलब बहुत सारे सैंडस्टोन मिलने के चांसेस थे, तो मैंने जल्दी से इसको तोड़ दिया। मुझे टोटली 4 शल्कर बॉक्सेस चाहिए थे, तो या जल्दी से मैंने इसको कर दिया। सो गाइस फाइनली यहाँ पे मेरे पास 5 शल्कर बॉक्सेस ऑफ सैंडस्टोन कलेक्ट हो चुके हैं। यस 4 नहीं 5 कलेक्ट कर दिए। अभी चलो यहाँ से, अभी इनको अपने फ्लैट जमीन के ऊपर लगाना बाकी है। मैं डायरेक्टली सैंडस्टोन नहीं लगाना चाहता था, इसलिए मैंने स्लैब्स को क्राफ्ट किया, क्योंकि स्लैब्स एक तो ज्यादा बन जाते हैं और मैं इसको कंटिन्यूअसली प्लेस करते हुए जा सकता हूँ। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे ऑटो प्लेसिंग वाले मॉड की हेल्प से मैं यहाँ पे लाइक गॉड ब्रिजिंग कर सकता हूँ, बट ये सिर्फ स्लैब्स के साथ होता है, एंड स्लैब्स करने से बहुत सारे ब्लॉक्स बच भी जाते हैं। तो यहाँ पर दो विन विन सिचुएशन था। फिर मैंने जल्दी से इसको सारी जगहों पर लगा दिया। फाइनली डे 270 के आसपास अपना जमीन बन चुका था। तो नेक्स्ट मुझे बनाना था एक ब्यूटीफुल सा पोडियम, जिसके ऊपर मैं अपने डायमंड के बीकन को सेटअप कर पाऊँ। इसको मैं अपने लास्ट वाले डेजर्ट ओनली वर्ल्ड की तरह ही बनाना चाहता था, अपने कैसल के आगे एक खतरनाक सा पोडियम। उसके लिए सबसे पहले आएगा एक रोड, जो कि अपने कैसल के रोड से ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो साइड से डीप स्लेट लगा दिए। उसके बाद एक अजीब सा रफ पोडियम सा डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। ये क्या है मुझे खुद नहीं पता, बट यहाँ पे जो सैंडस्टोन है उस जगह पे बीकन आने वाला है। ये बीकन्स के लिए एक रफ सा जगह है, बिकॉज यहाँ पे 6 बीकन्स आना है, तो यहाँ पर भी एक बीकन आएगा। शायद से तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, अभी मेरे पास डीप स्लेट की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी, तो मैंने जाकर दोबारा से डीप स्लेट को माइन करना स्टार्ट कर दिया। इस जगह पे डायमंड्स वगैरह भी मिल रहे थे, बट डायमंड्स की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे डीप स्लेट वगैरह माइन कर दिए। इतने डीप स्लेट को कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया ऊपर। यहाँ पर जो बीकन आने वाला था वहाँ पे मैंने थोड़े से डीप स्लेट लगा दिए, एंड परफेक्टली एक बीकन के हिसाब से एक स्क्वायर बना दिया, जिसके अंदर इजीली एक बीकन फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आगे से भी मैंने सेम ऐसे करके बॉक्स बना दिए। अभी ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था, लाइक तुम लोग देख सकते हो कि 6 बीकन्स को परफेक्टली सेटअप कर सकता हूँ, मतलब सिमेट्री में। कैलकुलेशन मैंने कैसे किया मुझे नहीं पता, बट या कर दिया। अभी टाइम है अपने बीकन को सेट करने को। सबसे पहले आने वाला है अपना डायमंड का बीकन, तो जल्दी से मैंने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया। ये रहा अपना डायमंड का बीकन। उसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारे डायमंड्स बच चुके थे, इसे मैं एक पूरा बीकन तो नहीं बना सकता था, बट मैं एक डायमंड के बीकन जैसा दिखने वाला नकली डायमंड का बीकन बना सकता था। मेरा मतलब सिर्फ साइड से इसको लगा देना। तो उस वाले डायमंड के बीकन के ऑपोजिट साइड में मैं जाकर एक और बीकन को सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। इसका मैंने सिर्फ बॉर्डर लगा दिया, उसके बाद अंदर से एमरल्ड वाले ब्लॉक्स को लगा दिए। यस जैसे मैंने बताया ये नकली बीकन है, यस ऊपर जाते जाते ये बॉर्डर छोटा होता जाएगा। फाइनली ये रहा लास्ट लेयर, इसी के साथ ये बन चुका है एक नकली बीकन। किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर डायमंड के ब्लॉक्स नहीं है। इसके बाद भी मेरे पास
पास थोड़े से डायमंड के ब्लॉक बच जाता है। उसके बाद मैंने गोल्ड के ब्लॉक से एक बेकन बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर लास्ट आएगा आयरन के ब्लॉक से, फिर यहाँ पर जो टेम्पररी बेकन सेटअप किया था उसको तोड़ दिया एंड जाकर यहाँ पर लगा दिए। अब इस जगह पे सिर्फ 4 बीकन थे तो पीछे के साइड 2 बीकन के लिए जगह बाकी बच जाती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ पर मैं एक गोल्ड का बीकन और एक एमरल्ड का बीकन लगा दूंगा। इस पीछे साइड में लगाने के लिए मेरे पास एमरल्ड के ब्लॉक्स तो हैं बट गोल्ड के ब्लॉक्स नहीं है, ना ही मेरे गोल्ड फार्म में गोल्ड है। सबसे पहले तो मैंने ये सारे जो स्वॉर्ड वगैरह है उनको फेंक दिया ताकि अपने सारे चेस्ट खाली हो जाए एंड जाकर एक बंदे को टपली मारा और थोड़े टाइम तक अपने गोल्ड फार्म में एएफके करने लगा। थोड़े बहुत टाइम बाद नीचे चला गया और सारे गोल्ड कलेक्ट कर दिए। इसी के साथ बन चुके थे 2 स्टैक से ज्यादा गोल्ड ब्लॉक्स जो कि मेरे लिए काफी था। उसको ले जाकर मैंने पीछे के साइड में एक बीकन सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट में बच जाता है सिर्फ एक टाइप का बीकन जो कि है एक एमरल्ड का बीकन। इसको यहाँ पे लगाना बहुत ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पूरा एमरल्ड का मैंशन बिल्ड किया हुआ है, तो दोबारा से बस एक बीकन बनाना बहुत ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था, बट फिर भी मुझे लगाना पड़ा क्योंकि मुझे सारे टाइप के बीकन जो बनाने थे। लास्ट में ये 2 बीकन के ऊपर भी बीकन सेटअप कर दिया। फिर मैंने एक एक करके इसमें पावर्स लेना स्टार्ट कर दिया एंड बिकॉज मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स बचे हुए थे तो मैंने डायमंड्स का यूज करके बीकन से पावर लेने लगा क्योंकि वैसे भी मुझे इन डायमंड्स का कोई यूज नहीं है, क्यों ना मैं इनको एटलीस्ट इसमें यूज कर दूं, बहुत ज्यादा अमीरी हो रही है। एंड गाइस इसी के साथ अपने सारे 6 बीकन सेटअप हो चुके थे। एमरल्ड का बीकन वियर्ड सा लग रहा है बट कोई बात नहीं। बाकी मैंने अपने पोडियम को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बारे में सोचा। सबसे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे एक स्टेयर बनाना चाहिए जो कि सीधा पानी की तरफ जाएगा, लाइक सीधा नीचे, तो मैंने यहाँ पर एक स्टेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पोडियम के अंदर थोड़े से पाथवेस वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए, मतलब कुछ भी कर रहा था अपने बीकन पोडियम को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। थोड़े से स्टेयर्स वगैरह इस साइड में भी लगाए एंड एक रोड भी बना दिया, फिर पोडियम के ऊपर भी थोड़े से रोड वगैरह बना दिए जो कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या कर रहा था, कुछ भी था ये। फिर इस साइड में मैंने सोचा कि मैं एक गार्डन जैसा कुछ बनाऊंगा जो कि पोडियम की तरफ कनेक्ट होगा एक रोड के थ्रू, तो एक रोड बनाना स्टार्ट कर दिया जो कि दोबारा से स्टोन ब्रिक से होगा। सेम चीज दूसरे साइड में भी, उसके साइड में थोड़े से डीप स्लेट के ब्लॉक एंड यहाँ पे मैंने सोचा कि एक छोटा सा फाउंटेन बिल्ड करूंगा, तो एक स्क्वायर कुछ बना दिया और यहाँ पे थोड़े से स्टोन ब्रिक्स लगा दिए। स्टोन ब्रिक्स को थोड़ा सा ऊपर ले गया, सेम दूसरे साइड में भी किया, स्टोन ब्रिक्स को थोड़ा ऊपर ले गया। ये जो छोटा सा रोड बनाया था वहां पर भी थोड़े से स्टेयर्स वगैरह लगा दिए एंड अपने छोटे फाउंटेन में पानी लगाना स्टार्ट कर दिया। ये रहा अपना छोटा सा अजीब सा फाउंटेन। ये फाउंटेन भी कैसे बनता है मुझे नहीं पता, बट एनीवेज अपने सारे बीकन्स के बीच में एक एरिया बचा रहा था जहां पर मैंने सोचा कि मैं एक बड़ा सा फाउंटेन बिल्ड कर दूंगा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बट थोड़ा सा बड़ा। यहां पर भी मैंने थोड़े से पानी वगैरह लगा दिए एंड ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था। फिर मैंने अपने जो दीवार वगैरह है उनको अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास बाकी कुछ करने के लिए नहीं था, तो अपने कैसल को ही अपग्रेड कर रहा था मैं। यहां पे थोड़े से फोर्ट के दीवार वगैरह बना दिए जहां पर थोड़े से स्टेयर्स वगैरह भी लगा दिए एंड इस जगह पे जब मैं सोने के लिए गया तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा था, तभी यहां पे आकर एक क्रीपर पड़ गया जो कि मुझे पता भी नहीं चला था। बट जब मैंने देखा कि ये बीकन यहां पे लगा नहीं है तब मुझे पता चला कि अपना डायमंड का बीकन फट चुका है, वो भी एक क्रीपर की वजह से। इसमें मुझे सिर्फ 2 डायमंड के ब्लॉक्स वापस मिले, पता नहीं बाकी कितने डायमंड के ब्लॉक वेस्ट हो गए। मुझे क्रीपर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, एक और रीजन बन चुका है क्रीपर्स को हेट करने का। एंड इस मेरे पास एक्स्ट्रा डायमंड के ब्लॉक्स हैं तो मैंने जाकर इनको लगा दिए एंड अपना बीकन आ चुका है वापस। फिर मैंने अपने कैसल को थोड़ा सा और अपग्रेड किया। ये रहा अपने छोटे से पार्क को बिल्ड करने का टाइम लैप्स। अभी यहाँ पे मैंने जो पार्क बिल्ड किया था वहाँ पे डर्ट था, वहाँ पे लगाने के लिए मुझे थोड़े से ग्रास की जरूरत थी। ऐसे ही जब मैं उड़ रहा था तो मुझे एक जगह मिल जाती है जहाँ पे थोड़े से ग्रास वगैरह थे। पहले मैंने जाकर इन सारे काउस को मार दिए, उसके बाद यहाँ से सारे ग्रास को चुरा दिए। फिर मैं चला गया एक और विलेज में जहाँ पर मुझे और थोड़े से ग्रास मिले। 2 स्टैक ग्रास को कलेक्ट करके मैं वापस आ गया एंड यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने रैंडमली बहुत सारे डर्ट तोड़ दिए एंड बीच बीच में ग्रास लगाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि अपना ग्रास स्प्रेड होता जाएगा, जितना ज्यादा ग्रास लगाऊंगा उतना ही ज्यादा जल्दी स्प्रेड होगा। सेम चीज मैंने जल्दी से दूसरे पार्क भी कर दिया। ओके, जब वो स्प्रेड हो रहा है मैं एक और चीज को दिखाता हूँ। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अपने कैसल का इंटीरियर बहुत ज्यादा फीका है। 5 दिन में यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता बट जितना हो सके उतना कुछ करने की कोशिश करूंगा। ऐसे मैंने सोचकर यहाँ पे थोड़े से एमरल्ड के ब्लॉक्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक छत बना दिया क्योंकि ये लगाना थोड़ा सा इजी था। ये छत बन चुका है। अभी मैंने सोचा कि यहाँ पे एक और फ्लोर बना दूंगा क्योंकि इस वाले बड़े से रूम में छोटे छोटे रूम्स बना के कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, तो क्यों ना एक फ्लोर जैसा कुछ बनाया जाए जैसे मैंने अपने हार्डकोर सीरीज वाले एमरल्ड कैसल में बनाया था। तो इस विंडो के हिसाब से मैं ऊपर चला गया एंड यहाँ पर एक और फ्लोर बनाना स्टार्ट कर दिया जो कि विंडो के हिसाब से ही था। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो स्टोन ब्रिक से ऐसा कुछ एक फ्लोर बना दिया, डीप स्लेट से उसको बॉर्डर भी किया एंड फाइनली कंप्लीट होने के बाद ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था। यस, एक आधा अधूरा सा फ्लोर। एक पिलेजर कैप्टन आके मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था तो मैंने उसी के बंदों से उसको मरवाया। लाइक लिटरली ये कितने ज्यादा बेवकूफ होते हैं, अपने खुद के कैप्टन को मार दिया इन लोगों ने, इससे मुझे बैड ओमन का इफेक्ट नहीं मिलेगा। एंड इस बीच में मैंने एक स्टेयर बना दिया, इसमें स्टोन ब्रिक्स वाले स्टेयर्स भी लगा दिए एंड फाइनली ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था, बहुत ज्यादा बढ़िया। यहाँ पे ऊपर थोड़ी
थोड़ी सी जगह खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे थोड़े से स्टोन ब्रिक्स को लगा देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं क्या ही करता, ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं मेरे पास। फाइनली ऊपर का साइड भी दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था एंड अपना कैसल कम्प्लीटेड लग रहा था। मुझे पता है कि यहाँ से ये सारे टॉर्च को निकाल के लैंटर्न लगाऊंगा तो ज्यादा बेटर लगेगा, बट उससे मॉब्स वगैरह स्पॉन हो जाएंगे तो नहीं करने वाला। यहाँ पे सारे ग्रास स्प्रेड हो चुके थे तो मैं थोड़े से बोन मिल को लेके आकर यहाँ पे लगा दिया। अभी घास फूस होगा तो ज्यादा ये पार्क जैसा लगेगा। यस, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इवन तो ग्रास का कलर इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट कोई बात नहीं। तभी मैंने यहाँ पर देख के रियलाइज किया कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लाइक इस वाले एरिया को मैं कैसे भूल गया मुझे नहीं पता। मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं था यहाँ पे कुछ करने के लिए, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना दूंगा। यस, मेरे छोटे दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आ गया। सबसे पहले मैंने स्टोन ब्रिक्स लगाकर एक फ्लोर बना दिया एंड फाइनली ये कुछ ऐसा लग रहा है। सेम चीज मैंने दूसरे साइड में भी किया। उसके बाद यहाँ पे पानी लगाना स्टार्ट कर दिया। लकीली इन्फिनिट वाटर सोर्स बन जाता है तो मुझे सारे एरियाज पे वाटर डालने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत एजेस वगैरह पे डाल देना है, बाकी काम ये खुद कर देगा। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये फुल हो चुका है। सेम चीज मैंने दूसरे साइड में भी जाकर किया। उसके बाद थोड़े से बोन मिल वगैरह लगा दिए। इसी के साथ डे 300 का सुबह भी हो रहा था, तो इस ब्यूटीफुल सनराइज के साथ मैंने सोचा कि इस सीरीज को खत्म करने का टाइम आ चुका है। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यस, जैसे मैंने बताया ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि मैं इस सीरीज को ज्यादा खींचना नहीं चाहता। डेजर्ट ओनली वर्ल्ड एक लेजेंडरी सीरीज था, इसको यहाँ पर ही खत्म करना अच्छा रहेगा। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही और भी 150 डेज के वीडियोस को बनाऊंगा। अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।